नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा जब से आई तब से इसका बॉयकॉट होना शुरू हो गया है, और बॉयकॉट की वजह है आमिर खान का पुराना बयान, और कहीं ना कहीं करीना कपूर खान के बयान की वजह से भी इस फिल्म का बहिष्कार किया जा रहा है। ऐसे तो इस फिल्म में किंग खान शाहरुख खान ने कैमियो किया है, लेकिन आपको पता है कैमियो की जगह इस फिल्म के हीरो बनने वाले थे शाहरुख खान, यानी लाल सिंह चड्ढा का रोल शाहरुख खान निभाने वाले थे। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों शाहरुख खान नहीं बन पाए लाल सिंह चड्ढा। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड में 90 के समय से क्लासिक फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक बनाने का मौका तलाशा जा रहा था। अभी भले ही लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर अद्वैत चंदन है, लेकिन उस वक्त फिल्म कभी हाँ कभी ना के डायरेक्टर कुंदन शाह इस फिल्म को बनाने में लगे थे, जहां उन्होंने शाहरुख खान को टॉम हैंक्स की फिल्म के हिंदी रीमेक का ऑफर किया था। लेकिन उस समय फिल्म के राइट्स पाना बहुत बड़ी और मुश्किल बात थी। कहा यह भी जाता है कि मेकर्स को ये फिल्म बनाने के लिए इसमें कुछ जरूरी बदलाव करने पड़ते। साथ ही रिपोर्ट्स की माने तो सबसे पहले डायरेक्टर ने एक्टर अनिल कपूर को सबसे पहले फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक ऑफर किया था। हालांकि अनिल ने क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से इसे छोड़ दिया था। इसके बाद कुंदन शाहरुख खान के पास पहुंचे थे। बाद में प्रोडक्शन में आई दिक्कतों के चलते ये फिल्म ठप पड़ गई थी और बॉलीवुड का ये बड़ा सपना अधूरा रह गया था। वही हाल ही में लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने खुलासा किया था कि उन्होंने ही डायरेक्टर कुंदन शाह को इस रीमेक को बनाने का आइडिया दिया था। भले ही 90 में ये फिल्म ना बनी हो, लेकिन अब आमिर खान इसे बनाकर चारों ओर छा गए। फिल्म में शाहरुख खान के कैमियो को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं आमिर खान ने भी कई बार बताया है कि हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप के राइट्स को पाना उनके और उनकी टीम के लिए कितना मुश्किल था। रहा करण जौहर के शो कॉफी विद करण 7 में आमिर खान ने बताया था कि उन्हें इस फिल्म की प्लानिंग में 7 साल लग गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि एक्टर अतुल कुलकर्णी ने फिल्म के स्क्रीन प्ले को 2 हफ्ते में लिख दिया था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि शाहरुख खान फॉरेस्ट गंप के रीमेक में हीरो बनने वाले थे। आपको ये भी बता दें, जहां एक तरफ लाल सिंह चड्ढा का जमकर विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आमिर खान की फिल्म में शाहरुख खान को छोटे से रोल में देखा गया है, जहां कई वीडियो और ट्वीट्स इस समय वायरल हो रहे हैं जिसमें शाहरुख खान के फैंस उनकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 180 करोड़ के बजट में बनी लाल सिंह चड्ढा का पहला दिन सिर्फ 10 से 12 करोड़ रुपए कमाना गया था। देश की जनता ने आमिर और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को नकार दिया है। बताते चले कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं। फिल्म ने बड़े शहरों में तो थोड़ा ठीक परफॉर्म किया है, पर छोटे शहरों में तो इसका कलेक्शन काफी कम रहा है। ये फिल्म देश भर में 3500 सिनेमा स्क्रीन पर रिलीज हुई। वहीं दूसरे दिन फिल्म का और भी ज्यादा बुरा हाल रहा, जब फिल्म ने केवल 7 से 8 करोड़ रुपए कमाए। और अब खबर ये आ रही है कि शाहरुख खान लाल सिंह चड्ढा बनने वाले थे। फिलहाल कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।